अमृतसर के खालसा कॉलेज के गेट पर छात्र छात्राओं द्वारा फ्रूट की रेड़ी लगाकर सरकार के खिलाफ अनोखे ढंग के साथ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों पढ़े लिखे नौजवान हाथों में बैनर लिए सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। इन नौजवानों का कहना है कि पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल करने के बावजूद सरकार किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रोजगार के मेले लगाकर पढ़े लिखे नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीटेक बीकॉम टॉपर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, तो ऐसे में डिग्रियां लेने का क्या फायदा। इसीलिए छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज के गेट के बाहर फ्रूट की रेडी लगाई गई है ताकि सोई हुई सरकार जाग जाए। विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि सरकार इन्हें नौकरियां नहीं दे रही, जिसके चलते पढ़े लिखे नौजवान विदेशों में जा रहे हैं। सरकार नौकरियां देने की बजाय बयानबाजी और जुमलेबाजी कर रही है। बेसिकली ये प्रोटेस्ट सरकार दियां कुछ एहोजियां नीतियां दे अगेंस्ट है कि 1996 तो बाद पंजाब विच किसी भी सरकारी कॉलेज विच किसी भी पक्के अध्यापक दी एक पोस्ट नहीं निकाली गई, जो कि ये देखते हैं कि अपा टेंडर ते या अपने जिन्हों आप कह दें ठेकिया के अध्यापक रख के सार लिए, जो कि एक बहुत ही माड़ी गल अपने स्टेट के लिए। जिवें कि तुम वेख सकते हो अपने प्रोटेस्ट में तो सब तो ज़्यादा योगदान पी एच डी स्कॉलरस का है। हूँ पी एच डी करके बंदा की अपनी सरकार तो उम्मीद रखता है, आही कि उन्हों पंजाब के किसी वधिया सरकारी कॉलेज में एक सरकारी अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया जाए, जो नियुक्तियां 1996 तो बाद हुई ही नहीं हैं। तो यदा जवाब आप सरकार तो चाहते हाँ कि यदा रीज़न की है कि तुम्हें फंडा की कमी है, जबकि यहोजा कुछ नहीं है। हरेक यूनिवर्सिटी हरेक साल प्रोपर नियमित फंड मिलते हैं कॉलेजों चलाने वास्ते। टीचर दिया सैलरीज भी होंगे ने, मेनटेनेंस के खर्च भी होंगे ने। तो की रीज़न है कि तुम अपने पढ़े लिखे नौजवानों मजबूर कर रहे हो कि वह अपना देश छड़ के विदेश चले जा। एग्जैक्टली जी फीसा की जो गल की जाए, सरकारी कॉलेज अज के तरीक में पंजाब के जो सरकारी कॉलेज ने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों नालों ज़्यादा फीसा साढ़े को लै रहे हैं। तो आप भी यही गल सोचते हैं कि इनिया फीसा इतने भरन नालों बैटर है। हरेक मानते हुए गल कि हरेक नौजवान यही सोचूगा कि इनिया फीसा इतने भरन नालों असं थोड़े चार पैसे होर ला के बाहर चले जाइए, उत्थे सानूं अपॉर्चुनिटी की। रखी हुई है कि सरकार सानू अपॉर्चुनिटी नहीं दूगी, साढ़े को करन नू बचदा की है। वी ऑल आर नोन टू दिस, साढ़े को बचदा की है करन नू। आपा कोई सब्जी बेच लांगे, फ्रूट बेच लांगे, फिर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने पढ़ के वधिया वधिया पढ़ाइया डिग्रियां लैके रेस्टोरेंट्स खोले ने, क्यों यह चीज़ों का काम ज़्यादा चल रहा है ना अकैडमिक्स नालों अपने पंजाब दे विच। तो जे आप इन्नी वधिया पढ़ रहे हैं, ग्रैजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रैजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, फिर आप हकदार नहीं है सरकारी नौकरियों के। तुसी पिछले दिनों की गल लै लो, पटवारी का सब इंस्पैक्टर का पेपर होया, 3.5 लाख वैकेंसी, 3.5 लाख कैंडीडेट पेपर देन बैठा, तो वैकेंसी किन्नी सी 550। तो यह फिर ना इंसाफी नहीं है तो होर की है। तो यह जी फील्ड के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह 96 तो बाद वैकेंसी कोई नहीं आई। तो आप यही रखते हैं सरकार अगे कि प्रोपर टाइम टू टाइम वैकेंसीज क्ढ़िया जान अकैडमिक्स फील्ड के, हरेक फील्ड के।